बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ सऊद मजीद साहब मौजूद हैं। आप अभी थोड़ा अरसा हुआ है अपना फाइनल कटर्न्योर पूरा करके जो है ना मैदान हम सियासत में दोबारा आ गए हैं और अब इनकी ख्वाहिश है कि वो एक नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़े। मेरे साथ मौजूद हैं सर, 2.5 साल का अगर थोड़ा सा देखा जाए पीटीआई का, तो इसे कैसा अहाता करेंगे मुख्तसर, कैसा इसको अहाता करेंगे? मुख्तसर बात यह है जी कि पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ है और ज़्यादती है, ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि 22 करोड़ अवाम के साथ। एक मुल्क जो तरक्की की तरफ गामजन था, जिसकी मईशत के बारे में कहा जाता था कि ये दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल होने जा रही है और मुल्क में एक तरक्की का रुझान था, हर तरफ डेवलपमेंट होती आपको नज़र आती थी और लोगों को रोज़गार मुयसर था, महंगाई नहीं थी। आज आप देखें कि पाकिस्तान बहुत महंगाई है, पाकिस्तान में कहीं पर डेवलपमेंट होती आपको नज़र नहीं आ रही, कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं लग रहे पाकिस्तान के अंदर और इसी वजह से पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। और मैं सर आप शेयर करना चाहता हूँ रिस्पेक्टेबल को मजीद साहब, इतनी महंगाई है, इतना सर आवाम परेशान हो चुकी है, सर हुक्मरानों को क्यों सर समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है? बात यह है कि हुक्मरान का अगर रबता हो ना आवाम के साथ तो फिर उसको समझ आती है। हुक्मरान कहीं से लाया जाए, जैसे कहा जाता है कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है इनको, इसे कहा जाता आप कहें नहीं कहा जाता, क्या सच कहा जाता है वो, अगर उनका मासिस से राबता हो, मासिस के बीच में उठना बैठना हो, फिर पता चलता है कि अवाम के वोट से बंदा आता है और फिर उनके लिए दोबारा भी उनके पास जाना हो। ये वन टाइम एक तुक्का लगा है और ये उसके बाद इन्होंने गायब हो जाना, किसी ने नज़र नहीं आना। जिन्होंने अवाम में रहना है जैसे मियाँ नवाज शरीफ थे, यहाँ इवन पीपल्स पार्टी भी जो अवाम में रहती है, अगर इस किस्म की कोई चीज़ हो तो ये पार्टियाँ अपने पहले अपने अवाम को देखती हैं, बाद में किसी और चीज़ के बारे में सोचती हैं और मुल्क भी इसी तरह चलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट होती है अवाम के लिए। आप ये भी कहा जा रहा है सर, थोड़ा सा मैं आपको और शेयर करना चाहता हूँ, पीटीए के लोग कह रहे हैं, मेरी बहुत मुलाकातें होती हैं कि ये इतना कुछ उन्होंने कर दिया ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं कि आने वाली हुकूमतें संभाल नहीं सकेंगी सूरत हाल जी। हालात तो बहुत अबतर हो गए हैं लेकिन कम से कम मैं तो ये समझता हूँ कि अब जिस तरह डाउनफॉल जा रही है इसको रोकने के लिए तो कम से कम कोई तब्दीली आनी चाहिए ना, बाकी तो बाद में टाइम लगता है हर चीज़ को बेहतरी आने में, सब चीज़ों में। हम भी जब आए थे तो पहले 2-3 साल हमारे बड़े मुश्किल गुजरे थे, हमने बड़ी सख्त इकोनॉमिक जो उसमें थी कट्स किए थे और आपको पता है इसहाक डार साहब पर भी बड़े एतराज़ात थे कि ये किसी को कोई काम नहीं करने दे रहे या फला फंड्स नहीं मिल रहे, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 साल के बाद ही मुल्क एक और रुख की तरफ चला गया था और इसको चलाने के लिए तजर्बा भी चाहिए। और सर सोमजी साहब आप बड़े तजर्बेकार हैं कि अब हुकूमत जो है सर लाजमी बात है, लोग कहते हैं सर जिन जो इनके पीछे हैं तो सर अब मूवमेंट है पीडीए की सर वो चल रही है, तो कैसे सर कुछ तब्दीली आ सकती है, कैसे देखते हैं आप? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी ज़ात के लिए अगर निकलना होता तो शायद हम 18 के बाद ही सड़कों पे होते और हम सड़कों पे एहतजाज कर रहे होते, सारा कुछ कर रहे होते। मियां नवाज शरीफ के हवाले से देख लें या हमारी पार्टियां पीपल्स पार्टियां जो भी अपोजिशन में पार्टीज़ हैं उनके अगर कायदीन के हवाले से देखें तो वो तो शुरू से ही बेचारों को जेल में, किसी को कहीं पर, किसी को कहीं पर। हम तो उस वक्त निकले हैं जब हमने देखा कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम बेचारे वो किसी हालत में नहीं है। बयानिया भी आया नवाशी साहब और उसके बाद मियाँ साहब का बयानिया आया, जो बयानिया एक तो वोट को इज्जत दो का मौजूद था, लेकिन उसके बाद जो जिस तरीके से हुकूमत बनी उसके बाद जो हशर हुआ इस मुल्क का, तो फिर मियाँ साहब को आखिर बोलना पड़ा और फिर उन्होंने बहरहाल बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी की है और अब हर कोई जो आप अगर सड़क पर आज भी जाएँ तो मियाँ नवाज शरीफ से प्यार करने वालों की तादाद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। थोड़ी सी मैं चाहूँगा ये वजह क्यों प्यार बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है प्यार? प्यार इसलिए बढ़ रहा है कि वो जब कंपैरिजन करते हैं ना पिछली गवर्नमेंट का तो वो देखते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने फलां फलां काम किए थे जिसपे इतराज़ात भी थे लोगों को, लेकिन वो कम अज़ कम अवाम की बेहतरी के लिए थे और इस गवर्नमेंट ने कोई ऐसा एक कदम नहीं उठाया कि जिससे कोई अवाम की बेहतरी, और जिस चीज़ की तरफ वो रुख करते हैं वो और मज़ीद महंगी भी हो जाती है और मज़ीद उसके लिए लोगों के लिए तकलीफ़ों का बायस भी बनती है। कि नवाज शरीफ साहब ने हकायक को जो है ना पर्दा उठाया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी क्यों दिलों में घर कर गई, सच बात है ना वो दिलों में घर करती है हमेशा, तो जब उन्होंने तकरीर की तो वो दिलों में इसलिए घर कर गई कि एक गरीब आदमी तकलीफ़ में था और उसे नज़र आ रहा था किस किस ने इसमें रोल प्ले किया है पाकिस्तान को बर्बाद करने में, तो उन्होंने नाम खुल के लिए और वो इसी तरह ही चलता रहेगा। अगर मैं चाह रहा था सर आपसे इसको आप कैसे सर आप कंक्लूड करेंगे इन द बेनिफिट ऑफ पीपल? सर बेनिफिट ऑफ पीपल तो आप आज देख लेना कि अवाम जो पहले गूंगी बैरी समझी जाती थी
आज वो आवाम हर जगह बैठ के डिस्कस कर रही है, वो उन लोगों को डिस्कस कर रही है जो लोग उनके मुजरिम हैं। तो ये क्या ज़ुबान दे देना आवाम को, मियां साहब ने कुछ कम तो नहीं किया इस मामले में? और उनकी जितनी सकत है, लीडर का काम होता है आवाम को सही रास्ते पे लाना, बाकी इंशाल्लाह आवाम फैसला अपना करके दिखाएंगे और बहुत जल्द करके दिखाएंगे। हम अपना पार्ट प्ले करेंगे, लेकिन असल काम आवाम का है और आवाम अपना पार्ट प्ले करेंगे और वो आपको नज़र आएगा जब भी। और आप समझते हैं आवाम आपके साथ है इंशाल्लाह, और मैंने तो ये बताया ना, तादाद बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सऊद मजीद साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यूनुस मोबाइल होल सेल डीलर, ऑल मोबाइल ब्रांड्स अवेलेबल, 25 इयर्स ऑफ ट्रस्ट, एड्रेस 29 मेन हॉल रोड लाहौर, फोन 04237244485, पेस गुलबर्ग लाहौर, फोन 04235756613 एंड 14। लाहौर में आलमी मियार के डेंटल क्लिनिक का क्याम, डेंटल कंसेशन में दांतों के हर तरह के मसाइल का हल मौजूद है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन क्लिनिक, जदीद मशीनरी और आला से लैस, बहार शाह रोड जोड़े पुल कैंट में वाकया डेंटल कंसेशन क्लिनिक आपकी खिदमत में पेश। फोन नंबर 04236634747।